दिशा निर्देश अनुसार 11 अप्रैल से 14 अप्रैल 2021 तक जिला कुरुक्षेत्र में कोविड वैक्सीन से संबंधित टीका उत्सव मनाया गया। इन चार दिनों में सभी सरकारी कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर व उनके द्वारा आयोजित आउटरीच शिविरों में कोविड 19 का टीका निःशुल्क लगाया गया। इसके साथ साथ प्राइवेट आयुष्मान रजिस्टर्ड अस्पतालों 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से टीकाकरण किया गया। बुधवार को इस उत्सव के चौथे दिन सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा व पूर्व विधायक डॉक्टर भवन सैनी ने टीकाकरण केंद्रों का दौरा किया और वहां पर टीकाकरण से संबंधित कार्यों का निरीक्षण किया और स्वास्थ्य विभाग से अधिकारियों से लेकर टीकाकरण की फीडबैक भी ली। इससे पहले सांसद नायब सैनी व विधायक सुभाष सुधा ने पॉली क्लिनिक सेक्टर 4 व कृष्णा नगर गामड़ी तथा सांसद नायब सैनी व पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने मथाना व बबैन टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया है। सांसद नायब सिंह सैनी ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार द्वारा कोविड वैक्सीनेशन अभियान को और तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल से लेकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल 2021 तक टीका उत्सव के रूप में मनाया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज देने के प्रयास किए गए। सांसद ने बताया कि हाथ धोना, मास्क पहनना व 2 गज की दूरी के साथ साथ कोविड वैक्सीनेशन भी कोरोना के बढ़ते केसों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उन्होंने कहा कि 45 से अधिक आयु के जो नागरिक कोविड पोर्टल पर FLWSCW पंजीकृत हैं और अभी तक उनका टीकाकरण नहीं हुआ है, वह सभी अपना कोविड टीकाकरण करवा सकते हैं। उन्होंने जिले के सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर अधिक से अधिक मात्रा में पहुंचकर टीकाकरण अवश्य करवाएं। कहेंगे जो टीकाकरण उत्सव चल रहा है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान किया था कि 11 अप्रैल से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती से लेकर के 14 अप्रैल तक और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती तक इसको उत्सव के रूप में मनाएं और लोगों से अपील करना चाहेंगे कि इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट को समाप्त करने के लिए, इसके ऊपर काबू पाने के लिए जो गाइडलाइंस बनी है, जैसे फर्स्ट फेज के अंदर जो हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, जो फ्रंट लाइन के ऊपर आकर के जिन्होंने काम किया था, उन सबको ये डोज दी गई थी, वैक्सीन दी गई थी। और दूसरे फेज के अंदर जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, उन सबको ये वैक्सीन दी जा रही है। हम बाहर आकर के निकल करके इस वैक्सीन को लगवाएं ताकि इस कोरोना जैसे वैश्विक संकट के ऊपर काबू पाया जा सके। किसी भी भ्रम के अंदर, झूठे प्रचार के अंदर हम ना आए, क्योंकि लोग कई प्रकार के भ्रम फैलाते हैं कि भाई जिसको शुगर है, शुगर वाले को दिक्कत हो जाएगी। मैंने स्वयं टीका लगाया है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मेरे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इस प्रकार के भ्रम में नहीं आना चाहिए, झूठी अफवाहों से बचना चाहिए। और मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार के झूठे अफवाहें ना फैलाएं, इससे मानवता को भी नुकसान होता है, इससे हमारी गरिमा को भी ठेस पहुंचती है। क्योंकि ये वैक्सीन आज वर्ल्ड के अंदर, जब हमारे पास इस वैश्विक महामारी की कोई दवाई नहीं थी, कोई वैक्सीन नहीं थी, उस स्थिति के अंदर हमारे जांबाज वैज्ञानिकों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस वैक्सीन का मात्र 1 वर्ष के अंदर वो बनाई है और लगभग ये 40-50 देशों के अंदर बाहर भी गई है। हम इसको लगवाएं, बाहर निकल करके आए, किसी दुष्प्रचार से हम बचें, किसी अफवाह से बचें और ताकि इस कोरोना के ऊपर काबू पाया जा सके, हम बाहर निकल करके इस कोरोना वैक्सीन को लगवाएं। जी विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ प्रकार से हमें 11 से 14 तक ये वैक्सीन लगाने के लिए मार्गदर्शन दिया। आज मैं आदरणीय MP साहब और हम टोटल जितनी भी हमारी सेंसर की PSC हैं, CSC हैं, हम सब पर पर्सनली जा रहे हैं और पर्सनली जाके हम रिकॉर्ड ले रहे हैं कि किस PSC CSC में कितना टीकाकरण हो रहा है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, वैक्सीन बनी है और मैं तो इन वैज्ञानिकों का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने पूरे वर्ल्ड के अंदर। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।